हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग ये है टाइमलेस रीडिंग आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं ये पिकअ कार्ड रीडिंग है और आज हम देखने वाले हैं कि आपका पार्टनर अपनी लाइफ में करंटली क्या कर रहा है और साथ ही देखेंगे उस इंसान की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है जब मर्जी आप ये वीडियो देख सकते हैं ठीक है कोई टाइम बाउंड्रेज यहाँ नहीं है आप देख सकते हैं दो ऑप्शन हैं हमारे पास यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ये हमारे पास बेल है आप बेल्स जो है सिलेक्ट कर सकते हैं या सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो है ये माला है आप वो माला सेलेक्ट कर सकते हैं तो जिसकी तरफ भी आप ड्रॉन फील कर रहे हैं वो पाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए ज्यादा टाइम चाहिए हो तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर वन से अगर आपने बेल जो है सिलेक्ट किया है सबसे पहले देखेंगे आपका पार्टनर आखिर अपनी लाइफ में क्या गुल खिला रहा है क्या कर रहा है वट आर अप टू तो यहाँ टार कार्ड है एंड सन कार्ड है तो करंटली आपकी जो पार्टनर की लाइफ है कुछ शेकिंग हुआ है ठीक है आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरा हिला दिया है आपके पार्टनर को कोई टार मोमेंट हुई है कोई आ, ब्रेक थ्रू मोमेंट हुई है आपके पार्टनर की लाइफ में या तो अवेकनिंग चल रही है स्ट्रांगली यहाँ आपके पार्टनर की लाइफ में या बहुत बड़ा सदमा या शॉकिंग न्यूज़ मिली है कोई कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो ठीक है तो यहाँ अवेकनिंग के जो है सिग्नल मिलते हुए नजर आ रहे हैं साथ में है सन कार्ड सन कार्ड दिखा रहा है कि ये जो उथल पुथल मची थी उस इंसान की लाइफ में उसने काफी क्लैरिटी दी है कुछ रियलाइजेशन करवाए हैं आपके पार्टनर को तो करंटली जो आपका पार्टनर है लाइफ से कुछ सीख रहा है ठीक है ब्राइट देख रहा है मतलब उसका देखने का समझने का जो लेवल है वो एक्सपेंड हो रहा है कही कहीं ना कहीं उसके मेंटल को माइंड को क्लैरिटी मिल रही है ठीक है कि क्या सही है क्या गलत है यहाँ पे कुछ चल रही है आपके पार्टनर की लाइफ में करंटली और ये इंसान जो है कुछ इनर वर्क करता हुआ आपको नजर आएगा डिवाइन की तरफ रुख करता हुआ नजर आएगा ठीक है या तो यही मैसेज मुझे तो रिसीव हो रहा है इन दो कार्ड से तो यहाँ कुछ डेफिनेटली कुछ बहुत ही हॉन्टिंग uh, सा हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में जो कि आपके पार्टनर को बहुत ही एक सदा हुआ अच्छा इंसान बना के जाएगा कह सकते हैं आप कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपके पर्सन की चलिए उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है देख लेते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ सेवन ऑफ वॉन्स है यहाँ सेवन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ एम्पर कार्ड है यहाँ और यहाँ है हमारे पास थ्री ऑफ वॉर्स एंड देन वी हैव सेवन ऑफ स्पोर्स तो ये एक रनर है ये इंसान रनर है आपसे काफ़ी लंबे समय से आपसे भाग रहा है ठीक है डिफेंसिव है आपसे आपके साथ डील नहीं करना चाहता लेकिन आपको स्टॉक भी करता है वेटिंग मोड में है कोई एक्शन नहीं ले रहा था आपकी तरफ काफ़ी लंबे समय से दूर से आपको स्टॉकिंग करने की ऊर्जा है इस इंसान की ठीक है ना तो ये ख़ुद कोई एक्शन ले रहा है और अगर आप भी इसे अप्रोच करेंगे तो भी ये जो है आपको हो सकता है घोस्ट घोस्ट भी किया हो इस इंसान ने कि आपको कोई रिप्लाई ना देना या समथिंग आपको कंफ्यूज रखना तो इस तरीके की कुछ ऊर्जा भी दिखाई दे रही है इस इंसान की तरफ से इस इंसान ने आपको बेसिकली आ, रन तो कर ही गया ये आपसे और अगर आपने बातचीत करने की कोशिश की है तब भी ये इंसान जो है आपसे बातचीत नहीं कर रहा था डिफेंसिव था ठीक है तो अभी करंटली देखा जाए तो ये आपको स्टॉक कर रहा है ठीक है अपनी हाई वाइब्रेशन में है, कोई रोध हो नहीं रहा ठीक है ऐसी बात नहीं है कि अपनी लाइफ में दुखी है या समथिंग नहीं एक फेक ईगो इसने अपने ऊपर ओढ़ी हुई है स्टबन वाली एनर्जी है कि मुझे नहीं डील करना मतलब नहीं डील करना और आपसे कॉन्टिन्यूसली रन कर रहा है अभी भी रन कर रहा है कुछ हो सकता है झूठ भी बोला हो इस इंसान ने कुछ लोगों के केस में ठीक है सबके लिए वो मैसेज नहीं हो सकता कुछ लोगों के केस में ये इंसान एक चीटर है लायर है ठीक है और काफ़ी देर से आप लोग हो सकता है इसका इंतज़ार कर रहे हैं नहीं कर रहे तो ये इंसान जो है वेटिंग मोड में है और ना तो डील करना चाहता है ना आपकी बात एक्सेप्ट करना चाहता है लेकिन फिर भी वेट कर रहा है ठीक है स्ट्रांगली यहाँ वेटिंग ये इस इंसान की तरफ से बहुत आपके लिए वेटिंग वाली ऊर्जा दिखाई दे रही है आपको हैवीली स्टॉक भी कर रहा है बट बट आपसे जो है डील नहीं कर रहा ठीक है स्टर्बलनेस शो हो रही है इस इंसान की अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभा रहा है हाई वाइब्रेशन में है ठीक है लेकिन अभी आपको लेकर डिफेंसिव है आपसे डील नहीं करना चाहता लेकिन साथ ही साथ आपको स्टॉक कर रहा है तो ऐसी सी एनर्जी है पायल नंबर वन वालों के पार्टनर की तरफ से ठीक है अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी मनी अपनी फैमिली उस पर ध्यान दे रहा है अपने काम में बिजी रहता है हार्ड वर्क में बिजी रहता है बस यही चीजें चल रही हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए एक स्टॉक stock, स्टॉकिंग की वाइब्स हैं और बट ये कही कहीं ना कहीं आपसे भाग रहा है आपकी आपका इंतज़ार भी है और आपसे भाग भी रहा है और अगर आप अभी अप्रोच भी करते हैं तब भी इसको डील नहीं करना है इस तरीके की इसकी ये खुद ही उलझा हुआ है अपने आप में इस तरीके की ऊर्जा है इस पर्सन की ये आज हमने शॉर्ट एंड क्विक वीडियो बनाई है कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स तो ये थी पाइल नंबर वन वालों की रीडिंग चलिए अब हम चलते हैं पाइल नंबर टू वालों की तरफ हेलो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने ये जो आ, माला है वो सिलेक्ट की है सबसे पहले देखते हैं आपका पार्टनर अपनी लाइफ में क्या कर रहा है एम्पर एंड द स्टार कार्ड तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो आपका पार्टनर है बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है पॉजिटिविटी से भरा हुआ है कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा चढ़ा हुआ है डिवाइन को सरेंडर इस इंसान ने करंटली किया हुआ है टोटली भगवान में अपना मन लगाया हुआ है अच्छे कर्म कर रहा है ठीक है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है इस इंसान में वैसे तो एम्प्र कार्ड दिखाता है ईगो की एनर्जी को बट पाइल नंबर टू से मुझे ऐसी वाइब बिल्कुल नहीं आ रही आपका पार्टनर उल्टा यहाँ बहुत ही विनम्र भाव से सरेंडर हुआ हुआ मुझे जो है इंसान लग रहा है यहाँ हाई वाइब्रेशन में हैं डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है प्रे कर रहा है आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में अनस्टॉपेबल वाली एनर्जी है अपनी लाइफ को खुद ही अपने लक को अपनी डेस्टिनी को बदल रहा है क्रिएट कर रहा है सारी कमान खुद के हाथ में ली हुई है इसे पता है मैं जो मर्जी क्रिएट कर सकता हूँ सो तो ये इंसान एक पॉजिटिविटी का स्त्रोत्र बना हुआ है और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी हैप्पीनेस और फुल ऑफ एनर्जी से आगे लेके जाने वाला है ये इंसान ठीक है और आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में बस यही कह सकती हूं मैं इस इंसान के बारे में करंटली ये इंसान आगे जा रहा है और आगे बहुत आगे जाएगा ऐसी वाइब्स मुझे आ रही हैं इन दो कार्ड से ठीक है चलिए अब देख लेते हैं इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए ठीक है चलिए यहां है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्स फोर ऑफ कप्स सिक्स ऑफ वॉन्स हर्मिट कार्ड नाइट ऑफ कप्स फोर ऑफ स्वोर्ट्स एट ऑफ पेंटिकल्स फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून कार्ड तो ये इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं वो इसने हाइड कर रखी हैं आपसे ठीक है, आप है? यहाँ इसकी जो फीलिंग्स हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपने जो जज्बात हैं या इमोशन हैं वो आपसे छुपा रखे हैं ठीक है ये इंसान जो है काफ़ी मेडिटेशन करता होगा या आइसोलेशन अकेले बैठता होगा ठीक है हरमिट कार्ड आया है यहाँ जो कि दिखाता है इस इंसान को अकेले रहना पसंद है अपना मेडिटेशन वगैरह करना पसंद है यहाँ डिस्टेंस डिस्टेंस जो है शो हो रहा है या तो मनी वाइज सिचुएशन इतनी गुड नहीं है या फिर डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में ठीक है और वही चीज़ दिखा रहा है कि यहाँ नो कॉन्टैक्ट की वजह से थोड़ा अपने खुद को आइसोलेट कर रखा है कुछ वक्त जो है अकेले रहना चाहता है ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत हार्डवर्क करते हुए नजर आ रहा है ये इंसान आप उनके लिए विक्ट्री की तरह हैं ठीक है और यहां अपने इश्यूज को हील कर रहा है जो भी इमोशनल रिलेटेड इश्यूज थे उसको मेडिटेशन से या फिर भगवान को याद करते हुए जो भी सिचुएशन है उसको ओवरकम करने के लिए ये इंसान जो है हील हो रहा है तो इस इंसान की स्ट्रॉन्ग हीलिंग चल रही है अपने काम पे फोकस है हार्ड वर्क कर रहा है ठीक है अपनी मनी सिचुएशन पे काम कर रहा है आप उनके लिए एक ट्रॉफी की तरह हैं और आपको अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है ये इंसान और आप उनके लिए बिल्कुल एक क्वीन की तरह हैं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो ठीक है आप लोग तो आप उनके लिए आप बहुत अट्रैक्शन फील करता है बेसिकली आपका पार्टनर करंट फीलिंग बोला जाए तो अपने इमोशंस को आपसे छुपाता है ये धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है आपको लव का ऑफर देना चाहता है लेकिन स्लो मूविंग एनर्जी है अभी अकेले रहना पसंद कर रहा है ठीक है खुद को बैलेंस करने के लिए अपनी जिंदगी में हार्डवर्क कर रहा है ख़ुद को हील कर रहा है अच्छे से और आपके साथ सक्सेस चाहता है विक्ट्री चाहता है अभी सोच सोच के परेशान है कि मैं अपना लव का ऑफर आपको कैसे दूं? ठीक है क्वीन ऑफ ऑन दिखा रहा है कि आप लोग बहुत अट्रैक्टिव हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ये इंसान आपको देखता है कि आप बहुत सुंदर हैं या क्रिजमेटिक हैं तो आपके बारे में इस तरीके के जो ख्याल हैं ये अपनी ट्यूशन से जो है ट्यून इन करने की कोशिश कर रहा है अपनी ट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है ठीक है अभी डिस्टेंस है यहाँ लेकिन ये इंसान जो है आपको अप्रोच करना चाहता है लेकिन कैसे किया जाए उसके बारे में थोड़ा सोच सोच के परेशान है इसको अपने इमोशन ज़ाहिर करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है शायद इस इंसान को और ये अपने बस हार्ड वर्क अपना काम करने में अभी करंटली लगा हुआ है हालांकि ये इंसान आपके साथ विक्ट्री चाहता है और आप उनके लिए एक प्रिंसेस और प्रिंस की तरह हैं ठीक है तो ये थी छोटी सी रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स बाय